नमस्कार दोस्तों, मीत सीरियल के आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि मीत हुड्डा पर बर्फी देवी ने चोरी का आरोप लगाया है, और चोरी के आरोप इस तरीके से लगाया है कि जहां पर पैसे रखे थे वहां की दो ही चाबी हैं, एक चाबी खुद मीत अलावत के पास में रहती है और दूसरी चाबी मीत हुड्डा के पास में थी। लेकिन दोस्तों मीत अलावत की चाबी को ले जाकर बर्फी देवी ने वहां से पैसे गायब कर दिए और बहुत ही सूझबूझ के साथ में चाबी वहीं पे रख दी। लेकिन दोस्तों कहानी में आप लोग जानते ही हैं कि कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है, जिसमें मीत हुड्डा बोलती हुई नज़र आने वाली हैं कि 24 से 48 घंटे में मैं पैसे और पैसे चुराने वाले दोनों को तुम्हारे सामने हाजिर कर दूँगी पापा जी। क्योंकि दोस्तों इस समय मीत अलावत यानी कि पूरा अलावत परिवार इस समय बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि आखिरकार कौन फंसाना चाहता है मीत हुड्डा को। हालांकि इस समय थोड़ा थोड़ा शक जा रहा है आखिरकार मीत अलावत को भी, कि ज़्यादातर बर्फी देवी ही नफरत करती हुई नज़र आती है मीत हुड्डा से। लेकिन दोस्तों मीत अलावत और पूरे ही परिवार को इतना भरोसा हो चुका है इस समय मीत हुड्डा के ऊपर कि कुछ भी है मीत हुड्डा कभी भी चोरी नहीं करेगी। क्योंकि दोस्तों मीत हुड्डा ने जितना इस परिवार के लिए किया है कोई इस परिवार के लिए किसी ने आज तक किया नहीं है। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इधर अब एक बार फिर से मीत हुड्डा बोलती हुई नज़र आने वाली है बर्फी देवी से कि बर्फी देवी आप अपनी गिनती काउंटडाउन स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा समय नहीं, 7 दिन के बाद मैं इस घर से तुम्हें ऐसी बार फेंकूंगी कि जिसके बाद में तुम इस घर में चमकने वालों में से नहीं हैं। जिसके बाद में बर्फी देवी बोलती हुई नज़र आ रही हैं कि पहले तुम इस घर से खुद अपने आपे को बचा लो, क्योंकि तुम अपने आपे को यहाँ से बचा नहीं पाओगे और हमें क्या भगा पाओगे इस घर से। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि लगातार एक से बढ़कर एक ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। साथ ही दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइज आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू गाइज।